हाय देयर, आई एम डॉक्टर अरविंद। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्मोन्स क्या चीज़ होती है। हार्मोन्स एक केमिकल हैं जो कि हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म फैट का, प्रोटीन्स का, ग्लूकोज का। हार्मोन्स हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को करते हैं कंट्रोल, फर्टिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में लैक्टेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इनका, और ऑफ कोर्स हमारे मूड को भी कंट्रोल करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्मोन्स? हार्मोन्स डिपेंड करता है कौन से ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। हमारा ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये बाकी और हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि थायराइड। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में होता है जिससे थायराइड हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे मूड को, हमारी फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है। पेट के अंदर पैनक्रियाज करके एक हार्मोन ग्लैंड होता है जो कि इंसुलिन को रिलीज करता है, और हम सब जानते हैं कि इंसुलिन ग्लूकोज को मेटाबलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। हमारे एब्डोमन में एड्रिनल ग्लैंड होता है जो किडनी के जस्ट ऊपर है और जिससे स्टीरॉयड हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे मसल मास को कंट्रोल करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेल हार्मोन है फर्टिलिटी के लिए, और फीमेल्स में ओवरी से ईस्ट्रोजन निकलता है जो कि फीमेल फर्टिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, और वो है फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस। ये फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस क्या है? फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस है कि फीमेल मेन हार्मोन जो है वो है ईस्ट्रोजन, तो या तो उसका लेवल बढ़ जाना या उसका लेवल कम हो जाना, या फिर फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ना, इसे हम कहते हैं फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस। और एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, आप सब ने सुना होगा, वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, PCOD, जो कि इन फीमेल हार्मोन्स को और मेल हार्मोन के बैलेंस को ख़राब कर सकती है। अब हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करें कि सिम्टम्स क्या होते हैं इन हार्मोन इम्बैलेंस के इन फीमेल्स? तो फीमेल्स में वेट गेन होना, पीरियड्स में इरेगुलरिटी जैसे कि पीरियड डिले होना या पीरियड स्टॉप हो जाना इवन इन अ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, या फिर हेयर फॉल होना, चेहरे पर पिंपल्स आना या चेहरे पर एबनॉर्मल फेशियल हेयर की ग्रोथ हो जाना, तो ये सब सिम्टम्स हैं PCOS के, जिसमें कि हमारा ईस्ट्रोजन कम हो सकता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ सकता है। अब कैसे हम इसको डिटेक्ट करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन सिम्टम्स को कभी इग्नोर मत करिए। जितनी जल्दी हम सिम्टम्स को डायग्नोज कर लें, डिटेक्ट कर लें, उतनी जल्दी ये डिजीज़ रिवर्स हो सकती है। और इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, डॉक्टर आपको चेकअप करेंगे और एप्रोप्रिएट टेस्ट आपको एडवाइस करेंगे। अब कौन से टेस्ट हैं जो कि इन इम्बैलेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे ये टेस्ट कराए जाते हैं? तो इन टेस्ट के लिए ब्लड टेस्ट लिया जाता है जो कि मॉर्निंग में लिया जाता है, और ये ब्लड टेस्ट हार्मोनल टेस्ट होते हैं फीमेल हार्मोन को। पिट्यूटरी हार्मोन्स भी होते हैं जैसे कि LH, FSH, ओवरी के हार्मोन भी चेक किए जाते हैं जैसे ईस्ट्रोजन। और किस टाइम पे करने हैं, ये टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टेस्ट किए जाते हैं सेकेंड डे ऑफ द साइकिल पे, और अगर साइकिल नहीं आ रही है तो ये रेंडमली भी किए जा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अल्ट्रासाउंड भी कराना होता है जिसमें कि पॉलीसिस्टिक ओवरी इजिली डायग्नोज हो सकती है। अब अगर ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली डायग्नोज हो गई हैं हार्मोन इम्बैलेंस, तो क्या किया जाए? सबसे पहले है नेचुरल तरीका। नेचुरल तरीका है वेट रिड्यूस करना, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना, कम से कम हाफ एन आवर डेली वॉक करना, और डाइटिशियन से मिलके एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाना जिससे कि ये हार्मोन इम्बैलेंस कंट्रोल रहे। डाइट में यूजली हाई फाइबर डाइट दी जाती है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड दिए जाते हैं जो आपको डाइटिशियन अच्छे से बताएंगे। अब अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी है इसमें। अगर वेट गेन हो रहा है तो उसके लिए मेडिसिन होती है, ईस्ट्रोजन लेवल कम है तो उसके लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दी जाती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर बढ़ा हुआ है फीमेल में तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर दिया जाता है, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर। इन समरी,
अगर कोई सिम्टम्स इस तरीके के आ रहे हैं जो हमने मेंशन किए, उन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, स्पेशली टीन एज ग्रुप में जितना जल्दी हम उनको डायग्नोस करेंगे उतनी जल्दी वो डिजीज़ रिवर्स हो जाएगी, और अपने डॉक्टर को तुरंत हमने कंसल्ट करना है और टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो डिसाइड होगा। थैंक यू, होपफुली यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन।